अब मुझे यहाँ इस कमरे में मौजूद सारी तस्वीरें उन लोगों की हैं जो नकली सर्टिफिकेट के जरिए देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं। असली खतरा बॉर्डर के उस पार नहीं बल्कि हमारे घरों में है। ये कौन है? बहुत ही मशहूर डॉक्टर, डॉक्टर सुदीप लाहिरी, MBBS, FRCS, MD, PhD। कॉलेज का स्कूल तक का मुंह नहीं देखा इसने, पर डिग्रियां इसके पास सारी हैं। 8 साल पहले सर्दी बुखार की दवाई देने वाला डॉक्टर था, आज 2x2 की क्लिनिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तब्दील हो चुकी है। जबरदस्ती ग्लूकोज चढ़ा के पता है कितना कमाता है? साल का 700 करोड़। हार्ट और किडनी मिला के इसने आज तक 150 ऑपरेशन किए, जिसमें से 120 लोग मर चुके हैं, जिनमें से 50 तो बेचारे मासूम बच्चे थे, और 29 गर्भवती माएं हॉस्पिटल में मौत का नंगा नाच करता आई है। और ये घिनौना खेल सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं खेल रहे, कॉलेज प्रोफेसर्स, रेलवे इंजीनियर्स, पुलिस ऑफिसर्स, हेल्थ इंस्पेक्टर्स, बैंक मैनेजर्स, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स, पायलट्स, मिलिट्री ऑफिसर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, लॉयर्स, सिविल इंजीनियर्स, हर डिपार्टमेंट में नकली सर्टिफिकेट वाले हैं। आपने भी तो सुना ही होगा, पिछले साल इंडिया में नकली सिविल इंजीनियर्स की वजह से 150 बिल्डिंगें गिरी, जिसके मलबे में दबकर 15,000 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। हमारे देश में हर साल 7 लाख ग्रेजुएट्स निकलते हैं, जिनमें से सिर्फ 40% को नौकरियां मिलती हैं, बाकी के या तो गलत काम करते हैं या रास्ते पर भजिए बेचते हैं। बेटा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन इन सब नकली लोगों को ढूंढना और अरेस्ट करना आसान नहीं है, और हमारे पास जब तक सबूत नहीं है तब तक उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन देश की तरक्की तब तक मुमकिन नहीं है जब तक इन्हें जड़ से नहीं उखाड़ेंगे। समाज में पलने वाले नकली डिग्री देने वालों को मैं 3rd degree दूंगा। पर कैसे? अब तो वो लोग अलर्ट हो गए हैं और हमारे पास कोई सुराग भी नहीं है। सुराग तो वो बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं। कैसा सुराग? नकली सर्टिफिकेट्स। जिस किसी ने भी मेरा ये नकली सर्टिफिकेट छापा था, उसने इसे असली बनाने की पूरी कोशिश की, इसलिए रजिस्टर नंबर भी ओरिजिनल है। यानी उसने हर बारीकी पे ध्यान दिया है, जिससे नकली सर्टिफिकेट बिल्कुल हूबहू असली जैसा लगे, और इसी आदमी को हमें पकड़ना है। ये आदमी मिल गया ना तो समझो बाजी हमारी, और उसका साम्राज्य बिखेर दूंगा। बालाजी, अरे भाई हम लोग लेट तो नहीं हुए? ऐसे डरा मत यार। ए, नकली सर्टिफिकेट्स के दलालों को हम यहाँ हाई कोर्ट में क्यों ढूंढ रहे हैं? सारे गुनेगार मुंह काला करने के बाद काले कोर्ट से मिलते हैं। मैं जिसे मिलाने ले जा रहा हूँ ना, वो धोखाधड़ी का नंबर 1 वकील है, पर हाँ उसकी शकल पर मत जाना। बेटा शहर में असली कम और नकली सर्टिफिकेट बनाने वाले ज्यादा हैं, उनमें से 7-8 दलालों को तो मैं जानता हूँ, लेकिन वो आसानी से तुम्हारे हत्थे नहीं चढ़ने वाले। उन तक पहुँचने के लिए तुम्हें मेरे नाम की सीढ़ी लगानी पड़ेगी। पहले का नाम है DP मुरुगन, बाकी नाम भी मैं तुझे बता दूंगा, पहले उससे मिल ले। अब जा। ठीक 3:24 पर पुलिस अंदर आती है। मतलब सबसे पहले इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली, और जिसमें वो भागा वो भी पुलिस जीप थी। और ये सबके पहले बिना FIR की न्यूज TV पर आती है, मतलब साफ है कि पुलिस डिपार्टमेंट के आदमी नहीं भैया को मारा है। पुलिस ये काम या तो अपने प्रमोशन के लिए करती है या फिर पैसे के सामने चुकती है। प्रमोशन के लिए वो TV न्यूज पे आता, और पैसे के लिए वो हमारे तलवे चाटता। ये बंदा अलग है, सोसाइटी का पला चाहता है। पुलिस वाला होने की वजह से ही वो हर चैनल पर एक ही न्यूज चला पाया। आम पब्लिक के पास इतनी पावर कहाँ कि वो इस तरह का जुगाड़ कर पाए। देश में बहुत से नकली डॉक्टर घूम रहे हैं। ये घोटाला फॉरेन एजुकेशन के नाम पर किया गया है। MBBS की नकली। अभी हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। गॉडविन कुमार ने क्राइम ब्रांच ने डॉट कंसल्टेंसी की 36 ब्रांचों को सील कर दिया और उनकी सारी चीजों को हिरासत में ले लिया कि कहीं उन्हें भी इस घोटाले में घसीट न लिया जाए। न्यूज असली सुराग है। अब तक उसने केवल न्यूज का सहारा लेके हम पे वार करने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से वो कोई बहुत ही पहुंची हुई चीज है, या फिर वो मीडिया में ही काम करता है। हो सकता है वो रिपोर्टर हो। सारे रिपोर्टरों को एक ही जगह से न्यूज भेजी गई है। इन रिपोर्टरों को ढूंढो जो उस समय वहां पहुंचे थे, उनके जरिए हम उस बंदे तक पहुंच सकते हैं। मुरुगन साहब से मिलना।
मुर्गन कहाँ हो तुम? मैं ऊपर है मीना। तुमसे कोई मिलने आया है? अभी आता है मैं। क्या मांगता है? हमें फेक सर्टिफिकेट चाहिए सर। चल कल्टी मार। अरे जाना यार, दोबारा आना नहीं। सर डीपीआई मुर्गन तो आप ही है ना? थोड़ा एक्टिंग करना पड़ता है, पुलिस पहले से ही पीछे पड़ी है ना। कैमरा फोन ने तो हमारा धंधा चौपट कर दिया है। पर तुम लोग अच्छे आदमी लगता है। क्या मांगता है, एसएससी या एचएससी का मांगता है? बच्चों के सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, इंजीनियरिंग का चाहिए। अरे कमीशन तो मिलेगा ना बच्चा लोग? बहुत मोटा कमीशन देंगे आपको, लेकिन पहले सर्टिफिकेट चाहिए। मैं जो एड्रेस दे रहा ना, उधर जाके मेरा नाम लेने का, क्या समझा? ये ले। शहर की भीड़ भरी सड़कों से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने लोगों को मेट्रो का तोहफा दिया है। ये ट्रेन 45 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है। इसका आगे 17 नवंबर को तूने अपने चैनल पे फेक सर्टिफिकेट की न्यूज टेलीकास्ट की थी, वो खबर किसने दी बता? कलई नगर टीवी की फातिमा से न्यूज मिली थी। वही बिल्डिंग है। डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए? कौन सी यूनिवर्सिटी का? अन्ना यूनिवर्सिटी। वो तो गवर्नमेंट कॉलेज है बाबा, खर्चा होएंगे, वेरिफिकेशन में फंस सकता है। घर के सेवर बेच के दे दूंगा पैसे। ये एड्रेस पे चले जा, मेरा नाम ले, काम हो जाएगा। निकल। हाँ बोलो संजीव। तुमने जो नकली सर्टिफिकेट की न्यूज दी थी ना, किसी ने गन पॉइंट पर मुझे धमकी देकर पूछा। मैंने तुम्हारा नाम बता दिया है, संभल कर रहना। फातिमा क्या हुआ? थान थेके टीवी रिपोर्टर विघ्नेश ने। कौन से नाम का सर्टिफिकेट बनाओ रे? आर गौतम। गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से एक डिग्री सर्टिफिकेट 29.7 सेंटीमीटर लंबा होगा और 21.5 सेंटीमीटर चौड़ा होगा, और जो पेपर की क्वालिटी है वो केवल टाइवेक होगी और उसी पेपर पर प्रिंट होगा, ये वो पेपर नहीं है। एनडीटीवी सौम्या। अन्ना यूनिवर्सिटी का चाहिए? मैकेनिकल इंजीनियर का? नहीं नहीं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। सर्टिफिकेट की मोटाई 0.156 मिलीमीटर होगी। सर्टिफिकेट पर लिखा हर एक वर्ड स्पेशल जर्मन मेड इंक से छपा होना चाहिए। ये भी सही, ये जर्मन मेड इंक का प्रिंट नहीं है। विक्की मैं सेफ हूँ और घर पहुँच गई, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? हेलो बक, जया टीवी के रिपोर्टर कपिल ने एनडीटीवी के रिपोर्टर सौम्या को ये न्यूज़ दी थी। आ जाओ, संभल गया साहब। क्या रे? सोलोमन ने इसे भेजा है। तो जा, तू मेरे साथ आ रहे। ये ले अन्ना यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट, कॉलेज भी पहचान नहीं पाएगा। सर्टिफिकेट के कागज पर एक छुपा हुआ निशान, एक मोहर होती है, जब उसे यूवी लाइट के सामने लाकर देखते हैं तब जाकर वो दिखता है। 2009 के सर्टिफिकेट में ये निशान इस जगह नहीं। बोल कपिल। यार निशा, हम लोग फंस गए हैं, कोई नकली सर्टिफिकेट न्यूज की छानबीन कर रहा है, और हो सकता है कि वो तेरे पास भी आए। यार सर्टिफिकेट नहीं छपता, वो लोग दूसरी जगह पे छापते हैं। पार्सन कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 137, नाम भास्कर। गाला नंबर 137 यही है। अनु तू यही करो। हाँ ठीक है। हाँ दादा बोलूँ। वो भास्कर से मिलना था। और तुम्हें? सर्टिफिकेट के लिए अन्ना दुराई ने भेजा है। अब्दुल। हाँ भाई, इसको बर्मा मैंशन लेके जाओ और इसका काज पूरा करके दो। हेलो। हेलो शेखर, 17 नवंबर को तूने नकली सर्टिफिकेट की न्यूज दी थी ना, उन गुंडों ने धमकी देकर मुझसे पूछा कि वो न्यूज कहाँ से मिली थी, तो मैंने डर के मारे तेरा नाम ले लिया। शेखर क्या ढूंढ रहा है तू? ए, कुछ पूछ रही हूँ, बताता क्यों नहीं है? इतने सारे सर्टिफिकेट कहाँ से आए? दिखा मुझे। रुक रुक, दिखा ना।
इतनी डिग्रियां गौतम के पास कहां से आई? शेखर, तू मुझसे कुछ छुपा रहा है ना? बता क्या बात है? तू यही रुक, तू साथ में, तुम गाड़ी में बैठो, जल्दी आना। भाई यहाँ पर इतने सीसीटीवी कैमरा क्यों है? ये तरुण सरकार की जगह है, यहाँ बिना पहचान के कोई नहीं आता है। हाँ, एक मिनट, गेट खोलना भाई। सत्तार भाई है ना? हाँ, थर्ड फ्लोर। हाँ। वो लोग बहुत खतरनाक हैं। अब हम क्या करेंगे? सिंपल, इससे पहले कि वो लोग यहाँ आए, हम सबूत डिस्ट्रॉय कर देंगे। कुछ भी करके गौतम को बचाना होगा, तभी वो नेटवर्क पकड़ा जाएगा। हेलो सिक्योरिटी सर, किसी को भी अंदर आने मत देना। हाँ सर, जल्दी से मेन शटर क्लोज कर दो। ओके सर। अभी तक तू वहां निकल रहा है। शुक्रिया।